वाहे गुरु वागुरु वागुरु रचना के आधारित आप जी विचार रचन चेहत सेहत तो बहुत ज्यादा खराब होने करके एक दो कलासा मैं हाजिर नहीं हो सकता ओदले मुख्यमंत्री चंदा आई फेर हां जी भाई गुरु जी का खालसा भाई जी की फतेह भाई खालसा भाई जी की फतेह जी भाई जी का खालसा भाई गुरु जी की फतेह हां जी आज रक जवाब दे दिया करो जी ठीक है मैं पहला बेनती कर ली है कि जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा भावें समुचे सिख संसार ने तीह नवंबर का मना लिया है पर सेहत खराब होने करके पिछलियाँ एक दो कलासा में हाजिर नहीं हो सकिया भाई साहब भाई गुरुदस जी दचनावान आधार से गुरु नानक पातशाह जी वालों जो दो व्डे प्रचारक दौरे किए गए सन पहलाता विश्व पद्धरदाई से संसार पद्धर जी चारी मैं के चाली पंजा देशों के मैं नैके तो उ स्थानों का जानकारी दी और दूजी बारी गुरु नानक पातशाह समेर पर्वत की यात्रा का विस्तार आप जी नाता भाई गुरुदास जी के कथन मुताबक हम तीजी उदासी जी उन्होंने भावें तीजी उदासी कह लीए जो इस्लाम के धार्मिक स्थानों वाल सबंधी आप जी ने कुछ विचार आप जी सन पर मैं ये विचार सजे कर तो बाकी जितना भी टाइम है रह के वो रही पहला एक घटना सुना देनी चाहता हाँ संीस सौ सताई कश्मीर रहने वाले सयद मुश्ताक हुसैन अपने पिता मुजफ्फर हुसैन नक्के हजली गए सनसैन पक्के लाइब्रेरी दो किताब मिली जहाँ के खास खास संश उन्होंने अपने पास नोट कर ले सन वो दो किताबा पहली है सियातो बाबा नानक फ़कीर ये लेखक ने ताजुद्दीन ताजुद्दीन गुरु नानक पातशाह अरविंद दो साल गुरु नानक पातशाह लगातार रहे जिमें भाई मरदाना जी उन्होंने पक्के साथी सन उस तरह ही भाई ताजुद्दीन जी गुरु नानक पातशाह की पावन दे देशमजीत गवाह हैं उन्होंने अखी डिठे हालात सं पंद्रह सौ ईस्वी जड़ी उन्होंने पुस्तक पढ़ी सी जो पुस्तक लिखी सी वो मक्के लाइब्रेरी साढ़े मुश्ताक हुसैन जी ने प्राप्त हुई उन्होंने बहुत सारे अंश उस किताब के अपने पास नोट कर ले तो दूसरी किताब तारीखे अरब वो लेखक ने जैनुल अवी दीन जी जदो गुरु नानक देव जी महाराज जी वार्तालाप काजी रुकनदीन जी दे नाल होई। उस वे अवीदीन जी मौके दे चश्मदीद गवाह सन उपरोक्त दो किताबा पढ़ के मुश्ताक हुसैन जी कश्मीर के रहने वाले बहुत प्रभावित हुए हो होता आके मुश्ताक हुसैन ने गुरद्वारा डेरा साहब के हेड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी अक्षर सिंह जी राही अमृत शाके मुश्ताक हुसैन तो सैयद प्रथीपाल सिंह जी बन गए सारी जिंदगी उन्होंने सिखी दे लिखे लाई देश वंट तो बाद उन्होंने पटियाला विखे अपना टिकाणा किया ते उना दी लिखी हुई उस पुस्तक के कुछ अंश संौ दस के सपुत्र सरदार महेंद्रपाल जी सरदार महेंद्र जी पुत्र सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी तो प्राप्त हो पटियाले वाले सरदार कमरजीत सिंह जी उन्होंने राही छप के हम छोटा जहाबचा जो साढ़े पांच सौ साल पिछले साल मनाया से वो गुरु नानक पातशाह जी दश्मीद गवाह अरब यात्रा के हालात सूँ पता लगते हैं ये ताजुलद्दीन जी अपने बारे लिखते हैं कि ईरान दिया सुलेमान शाह पहाड़ियों मैं जंगल जंगलों टप रहा एक बहुत सोहनी जगह पर दो भारतीय फकीर बैठे सन एक रबाब बजा रहा दूजी शखियत जिसके चेहरे का जाहो जल नूरी टलक न नहीं जा जान कहें मैं अगे बधिया से उन्हें कहा उन्होंने कहा असलामकुम रबाब बजा वाला मरदाना जी सी उन्होंने ही जवाब दिता वालेकुम असलाम मैं कुछ समा बैठा मैं नमाज अदा करनी सी लेट हो रहा सा। मैं उठ के तुर रबी जोत ने जड़े बहुत घट बोले ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਧੀਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਠ ਦੁਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿੱਠੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ मेरी नमाज का समा हो चुका है वजूली पानी लभ रहा हाँ पानी कित भी दिखाई नहीं दिता तो वह रबी नूर जी चेहरे का जलाल तक नहीं जाता उस रबी रूह ने कहा वो रब दे बंदे रब की दया से शक ना कर तेन इत बहुत सारा पानी नसीब हो जाएगा तो ताजुद्दीन जी कहते हैं बोल सुन के मेरे मन में छू गए तो मैं गोडे पार गुरु जी के चरणों में बैठ गया मैं इन्ना प्रभावित होया कि मैं नवाज का चेता ही भुल गया तो कुछ देर बाद मैं महसूस किया शखसीयत है जिस अगे मैं रोजाना नमाज अदा करवाज भी भुल चुकिया पर उस परपकारी रूह ने आप मेरी नमाज लिंत हो गई तो खुदावंद ने कीर्तन पूरा करके अपने साथी रवाब बजाने वा वाले साथी कहा कि मरदाना जी इस परमारथी ने नवाज अदा करनी है पानी का प्रबंध करो मरदाना जी बोले मेरे दयालु पातशाह मैं आप प्यास नड़प रहा हाँ भावें मैं तो थोड़े चरणों बैठा पर आले दुआले मेरी निगाह पानी लभ रही सी पानी कितने भी नसीब नहीं होया साहिब के अरशी ते मुस्कुराहट आई ताजूद्दीन जी कहने। ते बोलिया मरदानिया तू रब दाडी है इस धरती ने तेरे तो खुदा की सिवत सुननी है जल्दी ही यह धरती तेरे लिए पानी पैदा करेगी आ मेरी छोटी चौख ते वह पत्थर नू परे कर दे परमात्मा तेरे लिए पानी पैदा करेगा मरदाना जी ने हुक्म मनिया पत्थर हट गया सोल्टी पत्थर नू हटाया, ते पहाड़ एक पानी का चश्मा वग तुरिया मैं ते मरदाना जी ने पानी अपने तक के फटाफट समान चुकया छाल मारी ता कि साड़ा समान भेज ना जावे, पर मेरे क्रामाती हजरत नानक पानी दे देज बहा देख के अपने पैर पसार लेग ले। गुरु चरणा न टच करके उ रुक गया निमान वाले पास एक तलाब का रूप धारण कर लिया ये पहली घटना जो ताजुद्दीन जी ने दसी तो उसके बाद उन्हें अपनी नमाज अदा करद जो विचार चर्चा हुई मैं हूँ वो किताब के पन्ने पढ़ के सुना चाहता सर एक गल उन्हें मनी है ताजुद्दीन जी ने कि असी जदों बैतुल्ला के घर पहुँचे उस वे मैं खुद तक कि राह तीजा पैर हो चुका सी उस रबी रूह ने अपने साथी मरदाना जी ने उठाया मैं भी कोल बैठा हो रबी रूह ने हुक्म किया मरदाना जी रवाब बजाओ ते कीर्तन शुरू कर दौरे कीर्तन बंद नहीं करना उस रबी रूह ने हुक्म किया ताजुद्दीन जी की कीर्तन बिच गए मरदाना जी कीर्तन करन लग पे पर गुरु नानक पातशाह ने अपना सिर उल्टे पास से करके अपने पैर काबादी कंध के ना ले कुछ देर बाद ही कीर्तन हों एक सेवादार उन्हें भी जीवन ना ही लिखा है वो आया दे खुदा दे कर दी दे के घर की तोहीन हमी देख के गुस्से के आ गया और इना गुस्से आया कि बोल जड़े बड़े भड़कमे सन शब्द बड़े तते सन कुछ देर बाद रब्बी रूह उठी अति आख्या है खुदा दे बंदे तो साढ़े ना इतना क्यों नाराज हो रहा है तो अपनी भाषा के भी कह लगा तुम हिंदी काफर हो जो मैं जाके खप पावे काजी दसागा उस वे तू पता लगेगा तीस्ताखी की कीती है बहुत गुस्से के गुरु नानक पातशाह ने ठंडा करने की कोशिश की कहें जदों ताजुद्दीन जी कहते जो चुपना हो स्वागत मैं ਪਕੜੀ ਆਸਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਰੱਬੀ ਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ پکڑ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਰੂ ਨੂੰ ਘਮਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ कलमा पढ़ा होवा में लग गया मुड़के फिर देखया पैर उधर हम जिक्र किया ताजुद्दीन जी ने भी तीन बारी मक्का घूमता और का जी को हुए मैं आप तक अंत और पैरों से टह पिया और भजया बाहर गया ताजुद्दीन कहें मैं भी नाल चला गया बहुत उच्चे कवरे जो मकबरासी उत्ते नवाज अदा करा सद्दा दे वाला जो बनाया गया सी, वो उत्तर चढ़ के ऊंची उची कह लगा वो खुदा दे बंदे अज खुदा घर में खुदा आप चल के आ गया है सारे पासे हाहा मच गई तो उस वेल्ले लोग लो इट्ठे हो गए वेदे मुफ्ती सी सब तो वे रुकनदीन जी वह भी सैकड़े बंद खाबावलू नटे जो कुछ लिखे कित फिर मैं जिक्र करा तो ते तीन बारी मक्का फिरन की जड़ी है वह जिक्र उस ताजु जी ने अपनी कलम किया क्योंकि वह जश्मीद गवाह हैं इसलिए उन्होंने गल न सुट नहीं पाया जा सकता दूजे पास भाई साहब भाई गुरदस जी ने अपनी बार पहली दी पौड़ी बत्तीवीं इस गल का जिक्र किया है कि फिर बाबा मक्के गया नील वस्त्र धारे बनवारी आसा हथ किताब कच्छ कूजा वाग मसलाधारी फिर बाबा मके गया इसका मतलब दूजी उदासी तो बाद सुेर पर्बत तो बाद गुरु नानक पातशाह जी मके वाल चल पे ने समय के रमाज मुताबक नीले कपड़े साबित सूत रहना पैदा स और नीली दस्तार गुरु नानक पातशाह ने सिर से सजाई हुई सी एक बार प्रिंसीपल बलजीत सिंह जी जो मौजूदा डायरेक्टर हैं साहबजादा जुझार सिंह गुरमुख मिशनरी कॉलेज चौंता दे उन्होंने साढ़े एक नेड़े पिंड बोलते हुए एक गल दसी सी के मैं इस विद्वान की किताब पढ़ी है जिद्ध गुरु नानक देव जी जी महाराज यात्रा बारे लिखिया जो गुरु नानक देव जी का बल गए मक्के यात्रा दे उस नीला बाना पाया हो हथि हासा हादसा बरछे कहते हैं तो पिंड पिठे तिट उत्ते ढाल का जिक्र भी उन्होंने किया और आज भी गुरु नानक देव जी महाराज की एक कृपान पटना साहब की दर्शनी डेवटी के स्वाभामान है उतों के कथावाचक भाई साहब भाई चरणजीत सिंह जी तख श्री केसगढ़ साहेब आ दो साल पहला इतने सेवा निभाई थ हूँ चार पाँच महीने इतना बदली नाडा साहब विखे हो गई है उन्होंने मैं खुद दसिया साहब की दर्शनी डेवटी दे जिथे म्यूजियम बनया है इत भी अज भी श्री गुरु नानक देव जी की कृपान पाई हुई है और रोजाना वो दर्शन भी संगतान को कराए जाते हैं इतों पता लगता है कि जड़िया गल् विद्वाना दियां अं पढ़ते हाँ निशानियाँ गुरु नानक पातशाह ने खालसा ही बाणा मके की यात्रा वेले पहन लिया होर खोज करने है जो गल सची हो जिक्र करते उन्होंने हाथ भी छोटा सी जर्षा से किताब कच्छ वो बाकी पोथी जी पोथी हमेशा गुरु नानक पातशाह अपने पास रख दे अपनी बाणी या जिथे कितने किसी महापुरुष की बाणी प्राप्त होंगी है वह बाणी नोट कर लेंगे ने इसलिए नोट कर लेंद्र सन और किताब भी गुरु नानक पातशाह के किताब क्छ पूजा वाग मुसलाधारी मसला कॉ कपड़ा जो मोडे त होंद हाजिय़ा के नमाज अदा कर गुरु नानक पातशाह पास है दस देने सच्चे भाई साहब भाई गुरदास जी कि बैठा जाए मसीहत जिथे हाजी हज गुजारी रात में गुरु नानक पातशाह उस मसीह के पहुँच गए हैं जिथे हाजी लोग जाके हज गुजारते हैं अपनी यात्रा को सफला करते हैं ज बबा सुत नल महराबे पाए पसारी जदों गुरु नानक पातशाह जी रात सुते हैं उन्होंने काबा की कंध के नाल जिस तरह ताजुद्दीन जी चश्मीद गवाह ने लिखा कि मेरे सामने गुरु नानक पाशाह ने उत् पैर लाए और जीवन मारी लत्त दे तड़के जो मुख सेवादार सफाई करने के लिए आता ओ जीवन आता ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰਵਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਬਜ਼ਗਾਰੀ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰਵਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ ਕੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਂ ਜ਼ੁਹਾਰੀ ਜ਼ੁਹਾਰੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਏ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁਮਾਏ ਨੇ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬਾ ਵੀ क्योंकि मक्का शहर का ना है तो बा उस मंदिर का उस धार्मिक स्थान का नु ना नानक पातशाह जी पहुंचे तो जिते हाजी लोग जाते हैं वो बा भी नए फिर गया ताजूद्दीन जी ने तीन बार बा फिरन का जिक्र किया कि मैं खुद देखिया, उस का उस सेवादार ने जीवन ने खुद देखिया उन्हें ही एक करिश्मा देख के रौला पा दिता बड़ी उची थान से रखड़ के उन्हें होका दिता से ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ असी तिना पक्षा बारे कुछ विचार करा कि मक्का फिरया है जवे लोग कहते हैं ये मुसलमानी विश्वास हाँ पक्षी हुंगारा भरता है कि जो भी कोई महापुरुष गया महापुरश का ने आप फिरके आपकर्मा आपका स्वागत किया मुसलमान इतिहास की एक पुस्तक है फतवात मकिया ਲੇਖਕ حضرت حضرت ابن ਅਰਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਾਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਪੰਨਾ 75 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਬਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਹੋਰਾ मैं तेरे न की सलूक करता हाँ और जदों मैं मुआफी मंगी खुदा अल्लाह ताला तो ते काबा फिर अपनी थां ते वापस आ गए दूजी इतिहास लिखता है तज़करतुल अतुल औौलिया पन्ना पन्ना अठाठ एक जिक्र मिलता है कि माता रायबा वसरी बड़ी मशहूर इस्लाम धर्म की हुई अठ सौ एक संजे गई और बजुर्ग होने करके क़ाबा आप स्वागत दे खुद चल के रसरी के रस्ते बच्चे पहुंच गया ते अपने क़ाबा नू के इस माता ने कहा मैं खाने खुदा आनू क्या करना है तो खुदा चाहिए मैं खुदा दे दर्शन कर दी करना चाहती हाँ उस वक्त हजरत इब्राहिम आजम खाने खुदा सामने ना देख के अपनी अखा नलण लगे कि शायद मेरी अखा कुछ हो गया है हाँ तजकरा तो लौलिया लिखा है उन्होंने गैबी आवाज आई इब्राहि आजम तेरी नज़र न कुछ नहीं होया होयाबा तो तक खुद चल के उस माता के स्वागत ले गया है सो ऐसे हवाले तीजा हवाला मिलता है सवाने उमरी रसूल मकबूल पन्ना पंताली जदों मुहम्मद साहब का जन्म होया उन्हे हज़रत मतालीब जी काबा दे कोल बैठे सन उन्होंने की देखिया कि ने झुक के सिजदा किया है अल्लाह देरों अलाहू अकबर दवाजा भी आई इस तरह एक होर पुस्तक तबारीख है फरिश्ता लेखक मुल्ला मुहम्मद कासम काबा एक बारी और नहीं जा सकते सन अज दे ते काबा खुद चल के कुतुब उल हिंद शेख नसीरुद्दीन महमूद पास खुद चल के आया क्योंकि वह अल्लाह की बंदगी मस्त सन से काबा ने आप जाना पिया ये चार लिखता तो बिना अज तो तीह साल पहला साढ़े नेड़े ही पिंड है पिंड ढेर के उतों के रहने वाले कैप्टन ध्यान सिंह जी जो फौज के कैप्टन सन उन्होंने कोई साथी हाजी गया उन्होंने पूछ की थी, कि हजद ऐसा कुछ भी सुनया साहित्य लिखा हुआ है कि गुरु नानक पातशाह उत्त घूमयासी क्या तीस मैं दस सकते हो कि ती उ कोई गुरु नानक पातशाह यादगार देखी तो उन्होंने दे हाजी दोस्त ने जो दसिया उन्होंने कहा कि पर अगर गल ना करो कि मैनू हलाल ना करा दच्ची गल ये है किबा दे मुख द्वार उ ਇਕ ਤਰੇੜ ਜਈ ਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਥੇ ਉਹ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬੜੀ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ उन्ह ने खाबा घुमायादगार संभाल के रखी हुई है सो so, कैप्टन साहब इस संसार तो चले गए साथी है ज नहीं है असलीयत क्या है उन्होंने स्टेज पर बोलते हुए मैं बिच बैठा सटेज पर अपने पिंड विखे दीवान उन्होंने लाने गए थी ये गल सुनाई सी सो so, ऐसा गल् जो इस्लाम के प्रचलित हैं इस्लाम के लोग इस्लाम का लिटरेचर इस्लाम धर्म का जो सारा इतिहास है वो ये कहता है कि जो भी कोई महापुरशा के आया तो वे महापुरुष में देख के काबा ने आप परिक्रमा एक शरदा वाला पक्ष है जो असं सारे इस गलू मानते हाँ और कई बार कौम के झगड़े का कारण बन जाना एक दुश्मनी पाके सिख आपस बैठे हुए हैं कि है ये ताजुद्दीन की गल भी मनीए ताजू ने भी कई करम का जिक्र जो किया है वो किताब पढ़ के पता लग सकता है। मैं समझदा हाँ कि गुरु नानक पातशाह आप जो आप, गुरु नानक कहायो ते जड़ा वो परमात्मा का नाम जपता है गुरु पातशाह ने सब निधान दस आष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया मैं जोड़ा परमात्मा से दृढ़ विश्वास रखता है वो नाम ना जुड़िया हुआ जिंदगी सारी नाम सिमरन करते अठारह सीधिया नौनिधियां सारे उदे खब्बे हाथ के आ जाए मैं समझदा है भी एक भाषा ही सी गुरु नानक पातशाह जिते भी गए उस इंसान दी पाशा दे जान दी की भाषा के समझाने की कोशिश की जे इस भाषा समझते सन गुरु नानक पातशाह ने उस भाषा के अपनी आमद बारे तो उस परिपूर्ण परमात्मा वागुरु दख्शिशा बारे दसिया जितों तक गुरमत का पक्ष है गुरबाणी के बाबा कबीर जी के पावन शब्द हैं मन कर मक्का किबला कर दे ही बोलनहार परम गुरे ही। गुरेही मक्का शहर का ना है किबला जबा मसीत का न है ते गुरु नानक पातशाह जी ने मन कर मक्का मनु ही मक्का बनन की गुरबाणी ने अदायत की है तो परमात्मा सन्मुख रहने वाली देनुबा बना ला और चेता रख कि जदों तक बंदा जड़ी अपनी बुद्धि अपनी अकल अपन दलीला अपनी स्टडी अपने विदवता का दिखावा करता है उदों तक वो परमात्मा दख्शिशा का पात्र नहीं बन सकता गुरबाणी के पावन बचे लिखे हुए हैं जब बुद्ध होती तब बल कैसा आप बुद्ध बल न खटाई कह कबीर बुद्ध हिरले मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई भाव जितना समा मनुख अंदर अकल हो में है प्रभु का प्रकाश नहीं हो सकता जो तो पूरा गुरु रहमत करके बख्श करके बंदे की बुद्ध नू बदल दिता है तो वह बुध जड़ी होमे रहत हो जाती है उसल इंसान सारिया ही बख्शिशा वहमत हो जाती है सो so, ये तीन पक्ष ने एक गुरमत का पक्ष साढ़े लिए सब तो जरूरी गुरमत का पक्ष है कि मन मनकर मक्का तिवला कर दे ही। बोलन हार परम गुर ए वचन भी याद रखना जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हिरली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई इसलिए भाई गुरदास जी ने जो कहा कि फिरया मक्का कला दिखारी उस वेले वेबा जड़ा वो फिर गया जार कला जड़ी है उतों लोगों विश्वास हो गया हम पौड़ी नंबर तेती सच भाई सब भाई गुरदस जी गुरु नानक पातशाह रहमत बारे दसते हैं कि पुछन गले मान दिकाजी मुला इट्ठे हो व्डा सांग वरताया लख ना सकाए कुदरत कोई पुछण फोल किताब हिंदू व्डा के मुसलमान वही उसने बाबा असी अपने धर्म दिया पुस्तक भी भर ली असी ईसाई मुसाई यहूदी के कुरान सारे धार्मिक ग्रंथ जड़े ने ये सारे स्टडी कर लेने हिंदू धर्म के चार वेद शेषास्त्र अठारह प्राण सताई सृतियां कत्तीमरती जो एक सौ ग्रंथ एक सौ अठ ग्रंथा की डिग्री जी है हिंदू धर्म दिती जाती है असी सारे पढ़े हुए ने पर बाबा तेरे को किताब जी नवी जी लगती है असना चाहते हैं तेरी किताब के लिखिया कि हिंदू वड्डा कि मुसलमान वही वड्डा हिंदू है या मुसलमान है तो कि सच सुनाई सी सच की वेला वो कट्ट पंथियों के उस रे के खड़ के भी सच्चे पातशाह कहें के बाबा आखे हाजिया शुभ अमलों बाजों दोनों रोई गुरु नानक पातशाह ने जिदे अमल चंगे नहीं जिदा जी जीवन किरदार अच्छा नहीं जिदे मन रब का डर भाव नहीं तो सारे ही माड़े अमलों करके दो रोना पैंता है क्योंकि हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लैंड न ढोई तो उस खुदा अल्लाह तला दरगाह केवल हिंदू मुसलमान करके नहीं ढोई मिलनी क्योंकि उत्थे त हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल साहेब लेखा मंगसी दुनिया देख न भूल दिल दरवानी जो करे दिल रास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास ये गल याद रख देनी के मक्के दे खड़ के गल आख देनी जाहिर पीर जगत गुरु बाबा कामल मर्द मरदे मजाहिद मर्द गंबड़े बाबा नानक सच्चे पातशाह सच सुना इसी सच की बेला वाला ये जरत बाबे नानक विची नहीं तो दिल्ली के सिकंदर लोधी की दरबार के पंडित बोधन यही गल कम बैठा कि ना हिंदू माड़े हैं तो ना मुसलमान माड़े हैं हिंदू भी चंगे हैं मुसलमान भी चंगे हैं बस उसकी खल उतार दी गई सी राज जगत गुरु गुरु नानक पातशाह काबे वि खड़ के सच की आवाज बुलंद कर रहे हैं कच्चा रंग कसुबदा पानी धोते तो थिर न रोई जिमे कसुंबड़े का कच्चा फुल जो पानी लगन आ गायब हो जाता है रंग बोदा इसे तरह करण वखीली आप राम रहीम को कोथाए खलोई राह शैतानी दुनिया हो सच सुनाया और कि सच कहण की जरूरत सी जािर पीर जगत गुरु बाबा एवें नहीं सूरमा गुरु लिख्या उन्होंने वास्ते वो कितने फिर विचार सी करा अंत सारे दे सारी जिनी दुनिया उठी हुई सी गुरु नानक पातशाह जी के श्रद्धालु बन गए बड़ी सुदली कथा लिखी है सारी दारी इस किताब केजोदी कह लगा तीन दिन गुरु नानक पातशाह उथे रहे और तीन दिन अपनी सच री आवाज़ बुलंद करते रहे का जी रुकन जी के होर का सवाल जवाब हुए हैं और ताजो जीन जी कहने तीन सौ सठ सवाल गुरु नानक पातशाह किए गए अंत उन्होंने सारे सवालों के उत्तर तसली बख्श मिलने तो बाद का जी रुकन जी नहीं जो सब तो पहला गुरु नानक पातशाह का सिख बनिया और काबे का सब तो व्डा मुफ्ती जोड़ा सी सरमौर जिमें साढ़े अकाल तख्त सिंह साहब हों और गुरु नानक पातशाह के चरणी लग्या जो गुरु नानक पातशाह वापस आने लगे ने मेरा टाइम भी मुक्ता जा रहा है भाई गुरुदास तो जी कहते ने उस वे मंग की गई सच्चे पातशाह सानू कोई अपनी निशानी दे जाओ उस भाई साहब कहें धरी निशानी का मक्के अंदर पूज कराई ये गुरु नानक पातशाह ने अपने पैर की खड़म जड़ी सी वह उन्होंने लोगों दी क्योंकि जिथे जाए जगत विच बाबे बाज ना खाली जाई यह खड़ाब की गल भाई साहब भाई भीर सिंह जी ने लिखी है कि अलीन की खानदान के पीर रुकनदीन बहस कर सब तो वे वो हिंदुस्तानी सी जो तक मक्के रे ये खड़ाम उत्तजते रहे तो जो बाप सि हिंद आए तो ये खड़ा ना लै ले आए लू ये खड़म उच शरीफ जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच पीर बने से ना उच के पीर बड़े मशहूर सन तो उच शरीफ बहाबलपुर की रियासत उच पिंड विखे उन्होंने तोशेखाने पी है ये भाई साहब भाई भीर सिंह जी ने अपने वारंकवित की सटीक लिखा है ये मके की जित की निशानी जोड़ी है वो उ पहाड़ वाली दिशा देशा दे एक शिला लेख लगी हुई है सच्ची खोज स्वामी कल्याण दास जी ने पन्ना पचहत्ते लिखा है जिसे गल लिखी है पीर दस्तगीर मरदे खुदा ਮੁਝਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਦਾ ਆਰਫੇ ਵੱਲ ਖੁਦਾ ਵਜੂਦ ਨਾਨਕ ਇਨਸ਼ਾ ਸਜਦਾ ਮਯੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਫੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪੋੜੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸੋਖੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਾਜ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈ री निशानी कौसती मक्के अंदर पूज कराई जिथे जाइए जगत बाबे बाज न खाली जाई कर घर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान दुआई छपे ना छपाया चढ़िया सूरज जग रोशनाई जमें सूरज न कोई लुको नहीं सकता मुक्या सिंह उजाड़ सब मृगावल भन्नी जाई भन्नी जाई तो मतलब भज गई जदो शेर गर्जा गुरु नानक पातशाह वर्गा शेर गर्जा ਸਭ ਮਿਰਗਾਵਲ ਇਰਨਾਦਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਨਾ ਲੁਕਈ ਕੱਢ ਕੁਨਾਲੀ ਕੁਨਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੌ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕ ਕੇ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂਗਾ ਅਸਲੀ ਚੰਦ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਨਾ ਲੁਕਈ ਕੱਢ ਕੁਨਾਲੀ ਜੋਤ ਛਪਾਈ ਉਗ ਬਣੋ ਤੇ ਹੱਥ ਬਣੋ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਭ ਝੁਕਾਈ ਜਗ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤਾਈ जगत गुरु गुरु नानक पातशाह ने रब खुदा अल्लाह तला की जड़ी सी वो बख्शिशा उन्होंने बरसाइया और काजी रुकनदीन गुरु नानक देव जी महाराज दे के ना ने लिखा से कि बारह सौ परिवार गुरु नानक देव जी के दे नाल आ गए थे काजी रुकनदीन सब तो पहला सिख शहीद है जिन्हों गुरु नानक देव जी महाराज के इधर आने तो बई दिन बाद उौलविया ने दे, इमाम ने फतवा ला के धरती गड्ड के शहीद कर दिता सी पर अंतली शब्दावली भी ताजुद्दीन जी ने लिखी है वेद कि जदों उस वक्त वो मैं पढ़ के सुना देव बी कपहरा है रुकनदीन जी ने जदों देखा सारा इट्ठ हो गया गल तक धरती में दबे केवल सिर बाहर सी रुकनदीन ने सोचा हूँ जबकि सारा शहर ही इकट्ठा हो है। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੁਰਗੰਦੀਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਮਾਮ حضرت ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। जो इस तरह करेगा वो बहिष्ट विच पहुंच जाएगा ये रुकनदीन जी सिख कौमे सब तो पहले शहीद जो मक्के दे सब तो व्डे मुफ्ती सन ताजुद्दीन जी ने अपनी किताब किताब मेरे को पहुंच चुकी है सो जो कुछ हवाले मैं हैं पर बहुत संखेप आज मैं खेमा जाना हाँ ये विषय भी पूरा नहीं कर सकता जो हुक्म हो बगदादी फेरी अगला कुछ जोड़ा थोड़ा टाइम लग के संपूर्ण कर लवेंगे ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਲਈ ਖਿਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ